डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था। चलिए उसके जस्ट आगे आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। जी हाँ, ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का हम लोग, जिसको हम लोग टेस्फार्मा बोलते हैं, वो टेस्फार्मा नहीं है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बोला जाता है उसको। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ये ट्रांसफार्मर क्या है, अब इसका यूज कैसे होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, आज हम हर टॉपिक्स के बारे में इससे रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर टॉपिक बनाएंगे, उसके नीचे पहले लिख लेंगे कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा के कमी के स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने की क्षमता या व्यवस्था रखती है। चलिए उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा नेक्स्ट एरो, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, पहला में लिखेंगे ट्रांसफार्मर, और दूसरा लिखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा
अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर है क्या भाई। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा यंत्र है, ऐसा सिस्टम है कि जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, तो हम यही बताएंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो एक परिपथ में से विद्युत धारा को दूसरे पथ में जाना रहता है, दूसरे परिपथ में भेजा जाता है, तो उसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखेंगे, लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसमें विद्युत धारा के किसी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का कोई कमी नहीं होता है। और फिर दूसरा ये लिखे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखिएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। ये वीवीआई पॉइंट्स है, तो आप इस एरो को वीवीआई कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। सवाल आता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हम इसका आंसर करेंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। हम लोग अन्योन्य प्रेरण के बारे में पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो याद रखिए कि ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो किसके आधार पे, तो अन्योन्य प्रेरण के आधार पे। और दूसरा बात कि इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है ट्रांसफार्मर में कि निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है और हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल सकता है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर वोल्टेज कम है तो वोल्टेज बढ़ा सकता है कौन, ट्रांसफार्मर। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो अपने अनुकूल व्यवस्थित कर सकता है, यानी उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है ट्रांसफार्मर में कि निम्न वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज को अधिक कर सकता है और अधिक जो वोल्टेज रहता है उसको कम करने में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर ऐसा क्यों कर पाता है, आपका सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों करता है, उसमें क्या लगा हुआ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए या फिर उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम उसके बारे में डीपली जरूर पढ़ेंगे, नो डाउट्स। तो सबसे पहले दूसरा हम लोग ये लिखे हुए हैं, दूसरा क्या लिखे कि ट्रांसफार्मर के दो प्रकार है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि ये दो टाइप्स ट्रांसफार्मर के कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं। तो अब उसके नीचे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हम लोग लिखेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में एक छोटा सा टॉपिक बनाएंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग अपचाई के बारे में लिखेंगे। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के साइड में एरो देंगे, लिखेंगे वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज में या प्रबल धारा को निम्न धारा में बदलता है या बदल देता है, वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब लिखेंगे अपचाई के बारे में, लिखा जाए वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को
उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज में या निम्न धारा को उच्च धारा में बदल देता है वह अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए तो देखा जाए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचायी ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में और अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है? देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है और जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होगा वही चीजें अपचायी ट्रांसफार्मर में भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है। इसमें निम्न वोल्टेज को बदल के उच्च वोल्टेज में किया जा सकता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उच्च धारा को यानी कि प्रबल धारा को निम्न धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हम लोग दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसका दो चीजें होती है, कौन कौन सा? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रबल धारा को निम्न धारा में परिवर्तित कर सकती है। यानी कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या फिर प्रबल धारा को निम्न धारा में, अगर ऐसा दोनों में से कोई भी क्रिया कर रही होगी हम बोल देंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसके जस्ट होता है उल्टा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई में क्या होता है कि ये निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज कर रहा था ना, जब उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज करे को ट्रांसफार्मर या फिर निम्न प्रतिरोध को, सॉरी प्रतिरोध नहीं बोल रहे, निम्न विद्युत धारा को, यानी कि धारा कम रहे लेकिन धारा का मान उच्च हो जाता है। देखिए दोनों में उल्टा है, अगर वोल्टेज अगर कम रहे और वोल्टेज ज्यादा हो जाए दैट इज ऊंचाई, वोल्टेज अगर उच्च रहे फिर वो कम में बदलता है दैट इज अपचाई। ठीक है, तो ऊंचाई और अपचाई में यही दो डिफरेंट है, या तो आप धारा को लेकर बोल सकते हो या तो आप वोल्टेज को लेकर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में यही डिफरेंस है ऊंचाई और अपचाई में। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं कि इसकी बनावट कैसा होती है, आखिर ट्रांसफार्मर के बनावट में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें कैसा किसका उपयोग किया हुआ रहता है। तो अब आइए हम लोग सीखते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट, कि ट्रांसफार्मर की बनावट कैसा होता है। तो अब टॉपिक लिया जाए ट्रांसफार्मर की बनावट। अब जरा ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के बनावट में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि वो बनता कैसा है, फिगर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की जो बनावट है उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे ट्रांसफार्मर के बनावट, जो टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे ट्रांसफार्मर यंत्र के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला फर्स्ट परतदार क्रोड, दूसरा
प्राथमिक कुंडली, दूसरा में लिखेंगे प्राथमिक कुंडली और दूसरा में लिखेंगे द्वितीय कुंडली, दूसरा में द्वितीय कुंडली। देखिए कुल मिलाकर बात देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का जो बनावट होता है यही तीन पार्ट से मिलकर बनता है एक ट्रांसफार्मर, यानी कि हर एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है तो परतदार क्रोड होते हैं, दूसरा प्राथमिक कुंडली होता है, तीसरा द्वितीय कुंडली होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर में तीन भाग होते हैं, परतदार क्रोड, दूसरा प्राथमिक कुंडली और तीसरा द्वितीय कुंडली। और फिर उसके नीचे अरु देंगे और लिखा जाए नेक्स्ट अरु, ट्रांसफार्मर नरम लोहे के पत्तियों से बनाया गया, ट्रांसफार्मर नरम लोहे की पत्तियों से बनाया गया एक आयताकार परतदार क्रोड होता है, एक आयताकार परतदार क्रोड होता है जिसकी पत्तियां एक दूसरे से विद्युत रोधित रखी जाती है। नेक्स्ट अरु देंगे, क्रोड के आमने सामने भुजाओं पर प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली लपेटी हुई रहती है। नेक्स्ट अरु में देंगे लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया जाता है तब प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तब प्रत्यावर्ती धारा से सॉरी प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तथा कुंडली से गुजरता हुआ कुंडली से गुजरता हुआ चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में चला जाता है, अतः धारा की दिशा प्रबलता के साथ निरंतर परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट अर्थ देंगे लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात पर, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। चलिए तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि आखिर कोई भी चीजें यहां पे हमें दी गई होती हैं तो हम उसको अवलोकन कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कि ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, क्या होता है, तो चलिए उस बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर जो बनता है वो बिल्कुल आयताकार पतला पतला परतदार परत से बनता है, यानी कि नरम लोहे का एक परत रहता है जिसमें हम लोग बात करें तो बहुत ही पतला पतला, यानी कि यूं कहें तो इट मीन्स कि ऐसे ये बहुत ही पतला पतला परतदार नरम का लोहे का टुकड़ा है, पत्थर है, जिसकी सहारा से बनता है क्या हम लोगों का, तो ठीक है, ये हम लोगों का एकदम पत्थरदार क्या है ये भाई, तो पत्थरदार परत है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं ये क्या है, तो पत्थरदार एकदम पतला 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 परत है। जरा फिगर कंप्लीट होने दीजिए तो पता चलेगा। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का अंदर का भाग हो गया। जरा बाहर के भाग बनाते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि कितना पतला 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 पत्थर से ये बना हुआ है। और दोस्तों इसमें जो दो आमने सामने की भुजाएं हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक कुंडली को लपेटेंगे, यानी कि ऐसे। देख पा रहे हो एक कुंडली ये है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और एक हम लोगों को ऐसा है, इसको बोलेंगे दूसरी कुंडली, यानी कि ये सेकेंडरी क्वाइल हो गया, यानी बोल सकते हैं ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राथमिक हो गया, और इसमें जितना फेरा की संख्या लपेटा हुआ रहेगा दैट इज हम इसको बोलेंगे एनपी, और इसमें इसको बोलेंगे एनएस। ठीक है, और ये जो पतला पतला पत्थर है लगाया हुआ है इसका नाम सी है। ठीक है, और इसका इसका मैकेनिज्म को समझिए कि ऐसा पतला 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 पत्थर होता है, हम लोग बोले ना कि ट्रांसफार्मर का तीन भाग होते हैं,
एक होता है पतली परत परतदार क्रोड जिसको बोल रहे हैं, एक होता है प्राथमिक कुंडली और एक होता है दूसरी कुंडली या द्वितीय कुंडली। ठीक है, कुल मिलाकर अब बात किया जाए तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक बैटरी जोड़ा जाता है, एक विद्युत वाहक बल जोड़ा जाता है प्राथमिक कुंडली में, और प्राथमिक कुंडली में जब विद्युत वाहक बल जोड़ा जाता है तो इस कुंडली से यानी कि सी क्या है परतदार क्रोड से होते हुए, जो कि ये किसका बना हुआ है, नरम लोहे का बना हुआ एक परतदार क्रोड होता है, और इससे यानी कि जब हम इसमें विद्युत वाहक बल जोड़ेंगे प्राथमिक कुंडली में तो क्रोड से होते हुए कहां चला जाता है, द्वितीय कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में ये प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बोला जाए कि जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल जोड़ते हैं तो इसके वजह से, किसके वजह से, तो नरम लोहे के क्रोड के वजह से सेकेंडरी वाले में भी, सेकेंडरी वाली क्वाइल में भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाता है, और यही प्रोसेस होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का। यानी कि ये हम लोगों का फिगर हो गया ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज और हम लोग लिखे हैं कि हम लोग को जो वोल्टेज है, हम लोग को जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो कुंडलियों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि अतः याद रखिएगा, वोल्टेज जितना सेकेंडरी क्वाइल का होगा, फर्स्ट यानी कि प्राइमरी प्राथमिक का वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज का अनुपात किस पर निर्भर करता है, तो फेरों की संख्या पर, एनएस बटा एनपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो आप इन चीजों को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा कि जो वोल्टेज हमें प्राप्त होती है वो किसके अनुपात के बराबर होती है, तो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात के बराबर हमें वोल्टेज प्राप्त होता है। यही कारण है कि आप किसी कुंडली में जितना ज्यादा से ज्यादा अगर फेरों की संख्या करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कुंडली यूज करेंगे, और हाँ ध्यान रहे यहाँ पे विद्युत रोधी कुंडली, ऐसा नहीं है कि इसमें आप करंट दीजिएगा तो इसमें भी करंट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब इनामेल, इनामेल हम लोग सीखे है ना, इनामेल एक यौगिक आता है जिसको हम लोग ऊपर से लगाकर अगर पास पास भी लपेटेंगे तो करंट दूसरे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का अच्छे से फिगर बना लीजिएगा, और ये रेशियो याद कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का अनुपात होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आज हम लोग सीखे ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। फिगर थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।